यस क्रिप्टो करेंसीज आर वेरी वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है एंड रिस्क है तो आप जो भी तरह की चीज़ें क्रिप्टो करेंसीज में करते हैं मेक श्योर sure कि आप अपने डिसीजन खुद लें यूट्यूबर लोगों की बातों पर आकर आपको किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहिए इट इज़ कंप्लीटली वन हंड्रेड परसेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑल राइट विदाउट बींग सेड लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड हम चलते हैं बुलबुलों की तरफ तो बुलबुलो की आप हालत देख सकते हो सब एकदम हरे हो चुके हैं नोट की तरह तो क्या नोट छापने का टाइम आ चुका है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो निकल कर आ, आया है एक यू को लेकर आया है कमर्शियल पेपर उनका 50 मिलियन डॉलर से कम का एक्सपोजर हो गया है वन सेकेंड आप क्रेडिट स्विस वाले पॉइंट को देख ही रहे होंगे हर तरफ मार्केट में दैट इज़ अ लूमिंग सोल्ड ऑन द मार्केट जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलीटाइल हो सकती है एंड हो रही है तो अगर मैं आप लोगों को जस्ट पहले तो एस एन पी फाइव हंड्रेड की तरफ लेके चलूँ तो क्या पम्प दे रहा है एस एन पी फाइव हंड्रेड ना एकदम खतरनाक पंप दे रहा। है हाउ एवर विदाउट बिंग सेट गाइज अगर आप नोटिस करें हम लोगों को फोर आर में यहाँ पे फिफ्टी फाइव ई एम ए से सपोर्ट तो मिल रहा है राइट लेट मी क्विकली चेक आप लोग हाँ परफेक्ट सो so, हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट तो मिल रहा है इस जगह पे बट दैट बींग सेड हम लोगों को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी बन जाता है फॉर एज एन बी फाइव हंड्रेड यहाँ पे थोड़ा सा फुल बैक देखना एक पॉइंट हो सकता है शॉर्ट टर्म आज कल मे बी येस मार्केट जो है थोड़ी सी बुलिश हो सकती है ऑल्सो बिकॉज दिस वॉज लॉन्ग टाइम पेंडिंग एज वेल बट अगर हम ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन देखें मैक्रोस हैव नॉट रियली इंप्रूव्ड उल्टा अब मैक्रोज थोड़े खराब हो गए हैं मार्केट में फियर जो है थोड़ा सा ज्यादा आ गया है तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फोर आर में हम लोगों को भले ही यहां पे हम लोगों ने जो दोनों के दोनों हमारे एवरेजेस थे उनको थोड़ा उसके बाद 200 सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ा फोर आर में फोर आर में एंड आप जैसा कि नोटिस कर सकते हैं जो पर्पल बॉक्स हम यहाँ पे लेकर चल रहे थे उसके हम ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं बिटकॉइन के केस में हाउ एवर विदाउट बिंग साइड आप यहां पर जैसा कि नोटिस कर सकते हैं करंट प्राइस पॉइंट पे हम लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है बिटवीन वर्ड बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है किस चीज का ध्यान रखना है डेली चार्ट में ध्यान रखना है बिटकॉइन की अगर बात करें तो हम डेली चार्ट में यहाँ पे रखना है ट्वेंटी वन डे काफी अच्छा सपोर्ट रहा है आज के लिए राइट फॉर टुडे आप नोटिस कर सकते हैं आज का कैंडल के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट वो बना रहा है अभी आज की कैंडल क्लोज होने में आधा दिन बाकी है so, आधा दिन बाकी साढ़े ग्यारह घंटे बाकी है बट अगर हम ऊपर की तरफ बात करेंगे दैट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल उसके पहले भी कुछ रेजिस्टेंस लेवल है बट मोस्टली अगर ये रैली थोड़ी सी कंटिन्यू होती है तो ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास का जो लेवल है दैट कैन बी अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ पे इन द कमिंग फ्यू डेज तो यहाँ पे इट माइट बी अ बेटर ऑप्शन टू बी बेरिश देन बुलिश क्यों क्योंकि ओवरऑल मार्केट का मैक्रोवेरिश है जब मैक्रो बेरिश है तो हम बुलिश होकर क्या उखाड़ लेंगे राइट right? तो वो चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विद ऑल्सो बाई द वे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है अगर आप इंट्रा डे में ट्रेड कर रहे हैं इट माइट मेक सेंस फॉर यू टू लुक एट पॉसिबल लॉन्ग अराउंड दीज पॉइंट्स नाउ ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूँ बट आपको सिर्फ सिंपल सी चीज बता रहा हूँ अभी हमने सपोर्ट से थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट लेना स्टार्ट किया है अगर आप छोटे टाइम पीरियड की तरफ भी एंड लेट से हम इथीरियम की बात करते हैं राइट इथेरियम में आप नोटिस करो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकआउट लिया बट करंटली जो पुराना रेजिस्टेंस यहाँ पे रहा है सो दिस सेम लेवल 1350 के आसपास का जो लेवल है वो पास्ट में अपने पास थर्टी सितंबर को रेजिस्टेंस रहा है हमारे लिए ट्वेंटी सितंबर को रेजिस्टेंस रहा है आ, उसके पहले आ जाओ तो ट्वेंटी फाइव को रेजिस्टेंस रहा है ट्वेंटी थ्री को रेजिस्टेंस रहा है ट्वेंटी वन को भी वो रेजिस्टेंस बना रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉइंट जो इतनी बार रेजिस्टेंस एक्ट किया है वो करंटली भी रेजिस्टेंस एक्ट करने का चांस ज्यादा होगा अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है देन वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट रैली उसमें भी आई वुड स्टिल सजेस्ट इथीरियम में भी आप डेली चार्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें डेली चार्ट में इथीरियम में भी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है अबाउट थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो मोटा मोटा थर्टीन सेवेंटी फाइव थर्टीन सेवेंटी फाइव से दस बीस डॉलर ऊपर नीचे पकड़ लो यार तेरह डॉलर के आसपास का रेंज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है विथ ट्वेल्व का जो रेंज है एज अ स्ट्रांग सपोर्ट कल के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पे तो क्या आपको लॉन्ग टर्म बुलिश होना चाहिए या मिड टर्म बुलिश होना चाहिए आई डोंट थिंक सो पर्सनली आई डोंट थिंक मैक्रोज में ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं आप न्यूज देख लो चाहे हम टॉयचे बैंक की बात करें चाहे क्रेडिट फीस की बात करें तो उसमें मैं एक सेकंड आपका लेता हूँ आपको सिचुएशन समझा देता हूँ क्या हुआ है बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई हैवन बिन एबल टू कवर वो मैंने इंस्टाग्राम के रील में कवर किया था तो वो आप जरूर चेकआउट कर लेना सो क्रेडिट स्वीस और डोएचा बैंक मिलाकर जो है टू एंड हाफ ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर के एसेट्स पकड़ते हैं अगर हम बेयर्स टर्न्स की बात करें जो दो हजार आठ के अंदर क्रैश आया था एंड येस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप्स आर अगेन इन्वॉल्व जो कि दो हज़ार आठ में क्रैश के लिए बहुत बड़ी तरह से रिस्पॉन्सिबल थे अगर हम उसकी बात करें तो उससे चार गुना बड़ा ये क्रैश यहाँ पे हो सकता है तो इनको अगर बेल आउट करना चाहे कोई कंपनी कोई गवर्नमेंट बेसिकली दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दैट इफ दे हैव इफ दे आर गोइंग टू बी एबल टू डू दैट उनको ट्रिलियंस डालना पड़ेगा वहां पे तो यहाँ पे इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्राइस टू बुक रेशियो की इन टर्म्स ऑफ इन लोगों के जो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहे हैं वो बुक प्राइस के हिसाब से कैसे रहे दैट इज शिट लोग आज क्रेडिट स्वीस के लिए जितने उनके करंट एसेट्स हैं उससे भी कम पैसा देने को तैयार है पूरी क्रेडिट सीरीज खरीदने के लिए सोचो आपके पास एसेट्स हैं कुछ ठीक है आपके पास स्टॉक्स हैं मान लो आपके पास आईफोन है ठीक है मैं आपको बोलता हूँ मैं पूरा का पूरा तो से शिवम के पास आईफोन है आप बोलते हो अब आईफोन का कॉस्ट कितना है पचास हज़ार पकड़ लो चलो आप बोलते हो मैं पूरे के पूरे शिवम को तीस हज़ार में खरीदने को तैयार हूँ मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास एक पचास हज़ार का आईफोन है और कुछ हो ना हो कम से कम इतना तो दे दो मेरे को आप बोले नहीं दूंगा नहीं दूंगा इमेजिन अभी क्रेडिट सुइस के साथ वही चीज हो रही है क्रेडिट सुइस का आईफोन कोई आईफोन का प्राइस भी नहीं देना चाहता उसके लिए सो दैट इज अ और फॉर समवन जिसका नाम क्रेडिट सुइस है जो कि दुनिया के बैंकिंग के बड़े बाप पर्दादों में आता है राइट एंड सिमिलर सिचुएशन इज हैपनिंग विद डॉइचा बैंक ये ओवरऑल मैक्रोस को बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही इशू या बहुत ही बड़े इशू वाला एक इशू क्रिएट कर सकते हैं राइट एंड पैरेलल में अगर हम देखें स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन यार मार्केट से आउट हो रहे हैं थोड़ा -थोड़ा करके वो वेट कर रहे हैं दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी दे आर वेटिंग फॉर अ बिगर क्रैश क्योंकि मैक्रोज इम्प्रूव नहीं हो रहे तो अमिट्स ऑल ऑफ दिस हम लोगों को शायद हफ्ता भर रैली देखने को मिले विच इज फाइन जो कि बहुत नॉर्मल है किसी भी तरह के पुल बैक में जब पुल बैक आएगा तो थोड़ा बाउंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर हमें अक्टूबर में ही बिटकॉइन फॉर सम टाइम तेईस हजार के डॉलर की रेंज में देखने को मिल जाए तेईस हजार क्यों वो भी आप लोगों का मैं लेवल जो है एक बार दोबारा बता दूंगा बट वी माइट सी दैट काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट सो अगर मैं मेरे सामने चार्ट खोलू आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन क्विकली बट मेरे सामने चार्ट खोलू तो मेरे पास एक ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड से लेके ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के आसपास का एक हजार डॉलर का मैंने वो पर्पल बॉक्स बना रखा है एक इनफैक्ट मैं कर ही देता हूँ शेयर सो so ये वाला जो आप बॉक्स देख सकते हैं है, ये वाला बॉक्स राइट right? हम लोगों को इसके ऊपर पॉसिबली हो सकता है कि बिटकॉइन देखने को मिल ही जाए राइट right? बट उसका क्या मतलब उसका ये मतलब होगा कि बिटकॉइन पचास हज़ार चला जाएगा अपने और अपने सारे वो रिकॉर्ड्स तोड़ देगा ऑफ कोर्स नॉट पैरेलल में एज आई हैव शेयर्ड बिफोर एज वेल गाइस डोमिनेंस की तरफ ध्यान देना है बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है पंप ले रही है अभी डेली चार्ट में भी अगर मैं देखूँ तो अच्छा खासा पंप ले रही है फोर आर में भी अपने पास यहाँ पे वो अच्छी खासी सपोर्ट बना के बट विद विदाट बींग सेड अगर डेली चार्ट में बताऊँ तो फोर्टी एंड हाफ परसेंट यानी कि अब से लेकर वन परसेंट मोर पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है डेली में डोमिनेंस को आप खोलोगे टू हंड्रेड एस एम ए टू हंड्रेड डेली एस एमए जो है वो यहाँ पे फोर्टी टू पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट पे करेंटली बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू एंड हाफ परसेंट पे आप पकड़ लो दैट इज अ स्ट्रॉग रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस तो करंट रैली जो आ रही है उसमें बिटकॉइन सबसे ज्यादा पैसा ले जाएगा ऑल्ट कॉइन शायद उतना अच्छा नहीं करेंगे जितना अच्छा बिटकॉइन करेगा सो यू बट अगर वो रेजिस्टेंस मीट हो जाता है डोमिनेस वाला एंड हम नीचे की तरफ आना स्टार्ट करते हैं देन उल्टा काम होगा देन ऑल्टक खतरनाक तरीके से गिरेंगे कम्पेयर टू बिटकॉइन सो इस चीज़ पर हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि हाउ इज़ बिटकॉइन डोमिनंस वर्किंग इन दिस मार्केट क्योंकि ऑल्टकवाइंस में वो इंटरेस्ट शायद हमको ना देखने को मिले जो बिटकॉइन को देखने को मिल रहा है जब मार्केट्स इतनी बेरिश और इतनी रिसेशन के डर से भरी हुई हैं तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आज के वीडियो में शेयर करना चाहता था होप इसमें आपको वैल्यू मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं। एज ऑलवेज गाइज एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे शिवम साइनिंग ऑफ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर